खबर दिन भर में हूँ शेख जूही। चले रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। बीजेपी से निष्कासित नेता उस्मान गनी गिरफ्तार हो गए। शांति भंग मामले में मुक्ता प्रसाद पुलिस ने उस्मान को गिरफ्तार किया है। उन्हें एसडीएम के आगे पेश किया गया। हाल ही में बीजेपी की अनुशासन समिति ने गनी को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित किया। जोधपुर में कांग्रेस समर्थकों द्वारा दिया गया धरना देर रात को समाप्त हुआ। 3 दिन में आरोपियों को पकड़ने के आश्वासन के बाद धरना समाप्त हुआ। बीजेपी ने भी एक FIR दी, वहीं कांग्रेस की तरफ से 2 रिपोर्ट दी गई। बता दें कि कल मतदान के दौरान कांग्रेस प्रत्याशी के बेटे से मारपीट के बाद कांग्रेसी धरने पर बैठे थे। दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में एक शख्स ने एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी महिला की बेटी से शादी करना चाहता था, घर में घुसकर गोली मार दी गई। इलाके में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई, आरोपी फरार है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पीएम मोदी ने अपने चुनावी वादों में से एक भी लागू नहीं किया, फिर भी भाजपा के लोग कहते हैं कि मोदी ने देश के लिए बहुत कुछ किया। सुनिए खड़गे ने क्या कुछ कहा। तो जो चीज उन्होंने कहा एक भी उसमें अनुष्ठान में नहीं लाया, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, फिर भी बोलते हैं मोदी जी बहुत कुछ काम किए, देश के लिए बहुत कुछ बढ़ाए, ये वो बातें बोलते हैं। मैं ज्यादा बोलने नहीं चाहता क्योंकि ये देश को आजाद कराने वाले लोग कांग्रेस के हैं और कभी बीजेपी इस देश के आजादी के लिए लड़ी नहीं है और इस देश के डेवलपमेंट के लिए कभी नहीं लड़ी, लेकिन फिर भी इस देश को बनाने में हम लोग हैं तो पैट्रियोटिज्म की बात बहुत करते हैं। पेट्रियोटिज्म की बात इतनी करती है कि नेहरू भी उनके सामने कुछ नहीं है। दिल्ली में सुनीता केजरीवाल के चुनावी रण में उतरने से पहले आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने दिल्ली में जमकर प्रदर्शन किया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जेल का जवाब वोट से अभियान भी चलाया। कांग्रेस ने पूर्व विधायक आमिन खान को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ प्रचार करने के चलते उन पर यह कार्रवाई की गई। अजमेर में 3 अज्ञात बदमाशों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया। शनिवार सुबह जिले के कंचन नगर में स्थित मोहम्मदी मस्जिद के मौलाना की मस्जिद के अंदर डंडों से पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जाँच कर रही है, आरोपी फरार है। राजस्थान में दूसरे चरण में 13 सीटों पर वोटिंग हुई, जिनमें सबसे इंटरेस्टिंग चुनाव बाड़मेर, जैसलमेर और बांसवाड़ा डूंगरपुर में हुआ। बाड़मेर सीट पर सबसे ज्यादा 74.25% वोट पड़े। इसकी वजह त्रिकोणीय मुकाबला था, जो मतदान के दिन आते आते कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार की सीधी टक्कर में तब्दील हो गया। तेरह सीटों में सबसे कम मतदान टोंक सवाईमाधोपुर सीट पर 56.55% हुआ, जो कि कांग्रेस और भाजपा दोनों के लिए चिंता का विषय है। सचिन पायलट के गढ़ कहे जाने वाले इस इलाके में कांग्रेस ने हरीश मीणा को चुनावी मैदान में उतारा तो भाजपा ने फिर से सुखबीर सिंह जौनपुरिया पर भरोसा जताया था। बाड़मेर लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल को मतदान के बाद एक दूसरे के समर्थक के साथ हुई मारपीट को लेकर आज रविंद्र सिंह भाटी ने बल्होत्रा SP कार्यालय के सामने समर्थकों के साथ धरना दिया। पार्टी ने पुलिस प्रशासन पर राजनीतिक दबाव के कारण पक्षपात के आरोप लगाए। उन्होंने कहा, कल मतदान के समय मैंने पुलिस और प्रशासन को कई बूथ पर मारपीट की सूचना दी थी, लेकिन पुलिस ने कोई भी एक्शन नहीं लिया। ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। शुक्रिया।